आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से बनने वाली वेज रोल। इसे आप कम समय में भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वेज रोल बनाना शुरू करते हैं। वेज रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम मैदा। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच तेल। अब इन सबको हल्के हाथों से मिला लेंगे। मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। दो तीन मिनट आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंथ लिया है और सॉफ्ट आटा तैयार कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स ये काफी सॉफ्ट बन गया है। अब हम इस पर थोड़ा सा तेल लगाकर आधे घंटे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जब तक आटा सेट होता है तब तक हम इधर स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब मैं उसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। इसे हल्का सा पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ। मैंने यहाँ पर लिया है चॉप किया हुआ पत्ता गोभी, 2 प्याज, 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च। इन सब सब्जियों को एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इन सबको चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो वही डालकर बनाएं। मैंने इन सबको हल्का सा भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा काला नमक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मिर्च कम डालें। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट और भून लेंगे। मैंने सारे सब्जियों को 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चाट मसाला, 2 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 2 चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और इसको भी सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आटा कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे और अब इसके छोटे छोटे लोई तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह के इतने बड़े लोई चाहिए हमें। देखिए फ्रेंड्स मैंने इन सब के लोई बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे रोटी की तरह पतला बेल लेंगे। बिल्कुल पतला बेलना है, मोटा नहीं रखना है इसे।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको रोटी की तरह पतला बेल लिया है। अब हम चलते हैं इसको बनाने। मैंने यहाँ पर लिया है तवा, तवा गर्म हो गया है। अब हम इस पे डालेंगे बेले हुए रोटी। रोटी को हम दोनों साइड से एक मिनट सेक लेंगे। रोटी को मैंने पलट लिया है। मैंने रोटी को दोनों साइड से सेक लिया है। अब हम इस पे तेल लगा देंगे। तेल ज्यादा नहीं लगाना, हल्का ही लगाएं। अब इसे पलट कर दूसरे साइड पर भी तेल लगा लेंगे। अब इसे दोनों साइड से हल्का सा और पका लेंगे। रोटी अच्छे से सीख गया है। अब हम इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे लोई को रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने सारे लोई का रोटी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसका रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक रोटी ले लिया है। अब हम इसके ऊपर बने हुए स्टफिंग को डालेंगे। इस तरह से डालना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा टमाटो केचप डाल देंगे। चिली सॉस भी डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। इस तरह से डालना है और इसको रोल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे बने हैं। और अब ऐसे ही बाकी रोटी को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे रोल को बनाकर तैयार कर लिया है। ये काफी टेस्टी और हेल्दी है। आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई करें।